Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you And I welcome you all here today to the 24th lecture of consumer psychology. So students as usual let us begin our day with a brief review of what we discussed in our last lecture. Since our last lecture 23rd lecture was a review of the 22 lectures 21 lectures that we did before minus the 22nd lecture. So this time around I will give you the review of 22nd lecture so that I could build your logical uh, sequence from 22nd lecture to the lecture that we are going to do today. Students our last lecture was a detailed discussion on two uh, factors of the subculture. These included number 1 gender subculture as well as the age subculture. So let me give you a summary of what we discussed with reference to age subculture and with reference to gender subculture. Talking about the age subculture, we started our discussion with reference to the teens. Or teens ke bare me I katehuweata teens ko mostly ko se classify kiya jasakta hai. However, one classification that we tried to understand with reference to the way the Americans classify their teenage market was something like this. According to this classification, there were seven different uh, categories in which the teenagers could be included this is uh, uh, slightly mm, different from the way we do it in pakistan but uh, we refer to this kind of classification only to give you a reference so that you could understand how teens could be categorized into different uh, uh, classifications so number one category of the teens was number one jar heads जो बड़े स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं गो टू जिम और उनकी एक्टिविटीज होती है वो ज्यादातर स्पोर्ट्स ओरियंटेड होती है दूसरी कैटेगरी जो हमने स्टडी की थी दोस्त नर्ट और गीक्स नर्स और गीक्स अगेन इज एन अमेरिकन स्लैंकोलॉजी द पीपल जो अपना ज्यादातर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन के आगे गुजारते हैं क्योंकि वह अपना ज्यादातर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन के आगे गुजारते हैं इसलिए उनके पास दोस्त बनाने का इतना ज्यादा वक्त नहीं मिलता या उनको सोशलाइज करने का इतना ज्यादा वक्त नहीं मिलता सो so ये कुछ बाय नेचर जरा शर्मीले होते हैं थोड़े से इंट्रोवर्टेड होते हैं और सारा दिन एक जगह पर बैठ कर काम करते रहते हैं एंड द स्लैंक टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज टू डिस्क्राइब इस नर्स और गीक्स नंबर थर्ड टर्मिनोलॉजी डेट क्लासिफिकेशन दैट वी डिस्कस्ड वॉस प्रेपस्टर्स और बुशीज लॉजी और, और इनको इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब अ कैटेगरी ऑफ यूथ जो जरा कंजर्वेटिव होते हैं बाई नेचर ये लोग थोड़े से बाय नेचर जरा सीरियस होते हैं और थोड़े से प्रोफेशनली ओरियंटेड होते हैं लाइफ में जरा डिसिप्लिन रखते हैं और अपनी प्रोग्रेस को चार्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन मिसाल के तौर पर अगर इन्होंने किसी फंक्शन पर जाना है तो ये इसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं दे वुड बी हैविंग ड्रेसिस फॉर एवरी ओकेजन और एवरी सेरेमोनी जिसके हिसाब से ये अपने आपको ड्रेसअप uh, करते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दट दू उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको ये फॉलो करना थोड़ा बहुत पसंद करते हैं इससे अगली कैटेगरी हमने जो डिस्कस की थी डैट इज कॉल्ड सफर डूड्स सफर डूड्स से मुराद uh, ऐसे uh, नौजवान टीन uh, हैं जो बाय नेचर जरा कैजुअल ड्रेसिंग पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स uh, के अंदर उनका इंटरेस्ट होता है यू को कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ टीन एजर्स इन एवरीडे लाइफ जिसमें इनका एटीट्यूड थोड़ा सा हैप्पी गो लकी और हैप्पी uh, कैंपर्स की तरह का होता है दे ऑलवेज दे आर ईजी गो Easy going, and uh, usually, in the uh, mood disposition hoti hai, that is very pleasant, and they are always trying to purchase something new, which jo, uh, jo is unique or unique. Lage. So, these were the category of youth that is called surfer duels. Students, we then discussed the category of youth which was called heavy metal rockers. ये आ, नौजवानों की या टीन की कुछ ऐसी किस्म होती है जो म्यूजिक के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और म्यूजिक के अंदर इनकी पसंद जो है वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न म्यूजिक पसंद करते हैं और वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर एक खास कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड रॉक और मेटल और इस किस्म के म्यूजिक को ये ज्यादा पसंद करते हैं और बाई नेचर थोड़े से आर्टिस्टिक होते हैं सेंसिटिव होते हैं और इमेजिनेटिव होते हैं वी दैन डिस्कस्ड पीपल हु कुड बी कॉल्ड स्टडी जर ये ऐसे यंगस्टर्स uh, होते हैं जो पढ़ाई के अंदर ज़्यादा uh, दिलचस्पी लेते हैं और uh, कोशिश करते हैं कि अपने कैरियर को अच्छी लाइन के ऊपर डाल सकें और uh, पढ़ाई के जरिए अपना नाम पैदा कर सकें और uh, मेहनत करते हैं और मेहनत के ऊपर बिलीव करते हैं वी देन डिस्कस द फाइनल कैटेगरी जो पोइट्री के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और जरा सीरियस नेचर्ड होते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ग्रेसफुल ड्रामा अराउंडल्व सो they are unique in the sense that their sense of imagination is quite strong and they try to apply that sense of imagination in their real lives students ye chhe description jo aapne suni iske hisab se agar aap inko consumer psychology ke reference se dekhenge to you could always think that in saat categories of teenagers hain inko kis kisam ki products pasand ayengi aur products ke andar kis features ye pasand karenge aur agar marketer ko in teenagers टारगेट करना है तो उन्हें किस किस्म की एडवर्टिजमेंट बनानी पड़ेगी नेचुरली अगर एक प्रोडक्ट जो है वो जार हेड्स के लिए डिजाइन की गई है तो वो बड़ी स्पोर्टी होनी चाहिए उसकी लुक बहुत ज्यादा स्पोर्टी होनी चाहिए मिसाल के तौर पर अगर हम वॉचेस की बात करते हैं तो जार हेड्स को ऐसी वॉचिज पसंद आएंगी जो आ, जिनके कलर फ्लैशी हैं और जो स्पोर्ट्स टाइप आउटलुक रखती हैं स्टूडेंट्स इसी तरह से बाकी कैटेगरीज के जो टीन हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से देखना पसंद करते हैं जिस हिसाब से वो आ अपनी शख्सियत को निखारने की कोशिश करते हैं और अपनी शख्सियत को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स टीन के रेफरेंस से बातचीत के दौरान हमने डिस्कस किया कुछ टीन की बुनियादी खसूसियात और यहां पर मैंने आपको बताया था कि टीन जो हैं वो बुनियादी तौर पर जरा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो अपनी एज के एक ऐसे पार्ट में से गुजर रहे होते हैं जहां पे उनके उनकी बॉडीली चेंजेस आ रही होती हैं और उनका जहन जो है वो मच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है दे हैव ऑलरेडी गेन्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड एंड दे आर प्रटी मच अनश्योर अबाउट दम सेल्स फ्रेटी अनश्योर अबाउट देअर फ्यूचर ऑल्सो सो टीन की आ, जो मार्केट है उसमें इस बात का एहसास रखा जाता है कि टीनेजर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर सेंसिटिव लोग हैं और इनकी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी प्रोडक्ट्स डिजाइन की जाती हैं और ऐसी प्रोडक्ट एडवर्टिजमेंट्स डिज़ाइन की जाती हैं जो टीन को एक सर्टेन डिग्री ऑफ फेथ इन दमसेउस प्रोवाइड करे ऐसी एडवेंचरस एडवर्टिजमेंट्स हो सकती हैं या ऐसी लाइफ को डिपेक्ट किया जा सकता है जिसको देख के टीन एजर्स अपने अपने लाइफ के अंदर कुछ थोड़ा सा स्टेबिलिटी पैदा कर सकें और अपने बारे में थोड़ा सा फेथ पैदा कर सकें students, uh, teenagers, se baat, uh, karte karte humne age groups ko study kiya. once again, we uh, did go by the american uh, way of categorizing different age groups. or here we studied study kiya tha, uh, teen age groups go. these were called, number one, generation y, number two, generation x, and number three, the baby boomers. वनस अगेन जनरेशन वाई एक्स और बेबी बूमर्स को स्टडी करने का मकसद ये था कि हम मुख्तफ एज ग्रुप्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है उस हिसाब से मुख्तलिफ क्लासीफिकेशन को देख सकें ताकि हम इ, 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 इसी नोयथी क्लासीफिकेशन के हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट्स को भी कैटेगराइज कर सकें इवेंचुअली सो जनरेशन वाई की बात करते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये वो लोग हैं जिनकी पैदाइश हुई बिटवीन द इयर्स 1977 एंड 1994 इनकी उम्रें आजकल तकरीबन 13 से 20 साल के दरम्यान में है जनरेशन एक्स की बात करते वक्त मैंने आपको बताया कि ये वो लोग थे जिनकी पैदाश हुई बिटवीन द इयर्स नाइनटीन एंड नाइनटीन और ये वो लोग हैं जो आजकल तकीबन पच्चीस से चालीस साल की उम्र के दरम्यान में होते हैं फाइनली वी डिस्कस द बेबी बूमर्स ये वो लोग थे जिनकी पैदाश हुई बिटवीन द ईयर्स 1946 एंड 1964. इनकी उम्रें आजकल 40 से 60 साल के दरम्यान में होंगी इस जनरेशन के बारे में एक खास बात यह है कि ये जनरेशन एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर टू के बाद पैदा हुई क्योंकि इससे पिछली जनरेशन जो थी वो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर बहुत ज्यादा बिजी थी और उस जनरेशन ने वर्ल्ड वॉर टू की बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज देखी क्योंकि वो जंग में मसरूफ थे इसलिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें और लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर सकें सो so, इस जनरेशन की जब पैदाइश हुई तो उनके फादर्स ने यह मैक्सिमम कोशिश की कि जो हालात उनको अच्छे नहीं मिल सके वो अपनी औलाद को वो अच्छे हालात प्रोवाइड कर सकेंगे और इस जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज थी एजुकेशन की और एजुकेशन हासिल करने के बाद जब ये लोग बड़े हुए तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज थी अपने बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए बिकॉज देर वॉज एन एबसेंस ऑफ वॉर और इस पीसफुल माहौल के अंदर तरक्की करने के बहुत सारे मौाक़े थे और इस जनरेशन ने तरक्की करने के ये सारे मौाकों को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की आज अमेरिका में इस जनरेशन को बेबी बूमर्स के नाम से जाना जाता है और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो बेबी बूमर्स की पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास बाइंग पावर है बहुत ज़्यादा और जिनके पास एक सोफिस्टिकेटेड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स भी है ये लोग बाई नेचर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट को पसंद करते हैं क्योंकि इन्होंने तरक्की बहुत ज्यादा की और अब ये एक ऐसे प्वाइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अप्रिशिएट करना पसंद करते हैं क्योंकि बेबी वूमर्स जो है वो इस वक्त अपनी उम्र के uh, ऐसे हिस्से में से गुजर रहे हैं जहां पर दे आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर हाउेवर दिस पीपल डू नॉट एप्रिशिएट द आइडिया दट दे आर गेटिंग ओल्डर एंड दैट इज वाई दिस पीपल वुड लाइक टू गो टू द जेम्स और इसके साथ ही साथ ये अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं सो नेचुरली देयर इज़ ए ह्यूज मार्केट जो बेबी बूमर्स के हेल्थ कंसर्नस का ख्याल रखती है और जितने भी प्रोडक्ट्स बेबी बूमर्स के लिए डिजाइन की जाती हैं उसमें उनके हेल्थ कंसर्नस और उनकी हार्ट फीलिंग्स अबाउट द वेरी फैक्ट दे आर गेटिंग ओल्ड उनका ख्याल रखा जाता है इसके साथ ही साथ क्योंकि बेबी बूमर्स के पास बाइंग पावर काफ़ी ज्यादा है जिसकी वजह से वो पसंद करते हैं कि वो रिलैक्स करें और क्रूज पे जाएं और छुट्टियां मनाएं और आ, आ, एक शहर से दूसरे शहर जाके एक्सप्लोर करें और डिस्कवर करें सो वेन इट कम्स टर्म टू देर एंटरटेनमेंट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर वेरी सोफिटिकेटेड एंटरटेनमेंट फॉर देम सेल्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो इस बात का खास ख्याल रखती है स्टूडेंट अब अगर हम जनरेशन बाएं और जनरेशन एक्स के बारे में सोचें तो जनरेशन वाई को अट्रैक्ट करने के लिए मीडिया इज प्लेइंग इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल क्योंकि ये वो जनरेशन है जो अंडरस्टैंड करती है मीडिया को बहुत बेहतर तरीके से लेकिन जब हम जनरेशन एक्स की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहते हैं दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फन एंड बिटवीन द वर्क इसी वजह से इनकी च्वाइस जो हैं वो जरा थोड़ी सी सीरियस नेचर की हैं ये एक साइड पे अगर फन चाहते हैं तो उस फन के अंदर भी क्वालिटी चाहते हैं और दूसरी साइड पे ये बिलीव करते हैं कि हम मेहनत करेंगे और उस मेहनत के बलबूते पर कहीं आगे बढ़ेंगे विच इज व्हाई दे टू नॉट टेंड टू ट्रस्ट मच इन द मारटिंग एफर्ट्स बिकॉज दे कम टू थिंक मार्केटिंग एफर्ट्स जो है दोज आर डिजाइन टू कॉक्सम टू परचेजिंग डिफरेंट काफ प्रोडक्ट्स जब हम बेबी बूमर्स की बात करते हैं तो ये यूजुअली प्रोडक्ट एडवर्टिजमेंट्स को गौर से देखते हैं और अगर इनके पास इनको कोई प्रॉपर लॉजिक प्रोवाइड की जाए उस एडवर्टिजमेंट में किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तो दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट लॉजिकल एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो बेबी बूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें जेंडर सब कल्चर के बारे में भी जेंडर सब कल्चर के बारे में बात करते वक्त हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी विद द क्वेश्चन और विध डिस्क्राइबिंग द बेसिक फैक्ट कि किसी भी कल्चर किसी भी माशरे के अंदर जेंडर रोल्स जो हैं वो एसोसिएट किए जाते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहां पर खातिन और मर्दों के रोल्स जो हैं वो एक खास तरीके से डिफाइन होंगे और अगर हम ईस्टर्न सोसाइटीज के अंदर देखते हैं तो यहां पर खुवान के रोल्स हैं और मर्दों के जो रोल्स हैं वो भी एक खास तरीके से डिफाइन किए जाते हैं यूजली जब हम देखते हैं कि मर्दों के रोल्स को किस तरह डिफाइन किया जाता है सोसाइटी के अंदर तो मर्द जो हैं वो बुनियादी तौर पर समझे जाते हैं एग्रेसिव नेचर के कम्पैटेटिव होते हैं मर्द और उनके अंदर इस तरह के दूसरे मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं जब हम खुवान के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर जो बुनियादी ट्रेट्स डिस्कस किए जाते हैं वो होते हैं नीटनेस टेक्फुलनेस जेंटलनेस एंड टॉकेटनेस तो ये जो बुनियादी रोल्स हैं जेंडर के हिसाब से ये यूजुअली वेस्टर्न मुशरे में और मशरे की माशरे में तकरीबन एक जैसे पाए जाते हैं इस हिसाब से मार्केटियर्स जो हैं वो जेंडर रोल्स को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखते हैं अपनी प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटजीज डिजाइन करने के लिए जेंडर डिफ्रेंसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो अगर हम प्रिंट एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो देर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक ही प्रिंट एडवर्टिजमेंट को जब मर्द हजरा देखते हैं तो वो एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं और उसी प्रिंट एडवर्टीजमेंट को जब खातन देखती हैं तो वो उस एडवर्टीजमेंट पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं और यूजली रिसर्च से यह पता चला है कि जब हम ऐसे एडवर्टिसमेंट डिज़ाइन कर रहे हों जिसके लिए टारगेट मार्केट मर्द हजरा की हो तो वो जिनमें एडवर्टिसमेंट जिनमेंटिफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए एक प्रोडक्ट का दूसरी प्रोडक्ट के साथ किया जाए और इस इसफार्मेन को इस तरह से प्रजेंट किया जाए कि वो सिंपल हो और आसानी से समझ आ सके और एट्रीब्यूट्स एटरीब्यूटेड हो मसा एक प्रोडक्ट की खासियतों को कम्पेयर किया जा सकता है दूसरी प्रोडक्ट की खासियतों के साथ And this kind of uh, uh, way of thinking goes by the masculine way of thinking which is involved in analysing things, in decomposing the major components into smaller factors, so that they could understand the things in much better ways. If analysis ki noyu de to analysis ka matlab ki complex phenomena goes simple parts can divide And that is the standard stereotype uh, about the way the men think about their things. अगर हम खातन की बात करते हैं तो रिसर्च से पता चलता है कि खवतानी ऐसे एडवर्टिजमेंट्स को पसंद करती हैं जिसके अंदर हारमोनी दिखाई जाए जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स दिखाए जाएं, और अफेयर साइड ऑफ द लाइफ दिखाया जाए और, और इंफॉर्मेशन जो है वो बेशक कॉम्प्लेक्स हो लेकिन प्रॉपरली कैटेगराइज की हो सो so, ऐसे एडवर्टिजमेंट्स uh, को देखकर खुतिन के अंदर यूजली इंटेंशन पैदा होती है टूवर्ड्स तो परचेजिंग दोस्त प्रोडक्ट्स और अगर हम मर्दों के लिए कोई एडवर्टिजमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा साबित होती है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होती है ताकि एक प्रोडक्ट परचेजिंग इंटेंशन जो है वो मर्दों के अंदर क्रिएट की जा सके स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड द जेंडर रोल्स के बारे में प्रोडक्ट्स जो हैं अगर आ, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप डिस, आ, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम मेस्कुलन प्रोडक्ट्स कह सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिस, जिनको हम फेमिनन प्रोडक्ट्स कह सकते हैं ये सवाल इन इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज कि क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो मर्दों के साथ एसोसिएट की जा सकती हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो खुतिन के साथ एसोसिएट की जा सकती हैं बट कम टू थिंक अबाउट इट Uh, मर्दों के साथ हमेशा एसोसिएट किया जाता है शेविंग किट्स को खरीदना पैंट्स को खरीदना ट्राउजर्स खरीदना फिर ऐसा इक्विपमेंट खरीदना जिसके जरिए वो मुख्त चीजों को सही कर सकते हैं ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर कंसिडर टू बी मैस्कुलन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स लेकिन जब हम फेमिनन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है ज्वेलरी कॉस्मेटिक्स हेयर ड्रायर्स कुकिंग रेसिपीज या फिर फूड आइटम्स सो इट इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल के बास प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज किया जा सकता है इजिली एज टू बैस्किलन प्रोडक्ट्स एंड सर्टन अदर प्रोडक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज फेमिनन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो खातन जो है जब वो इंटरनेट पर सर्फिंग करती है तो उनकी सर्फिंग जो है वो मुख्तु नौ वेबसाइट्स के ऊपर होती है और मर्दों की सर्फिंग जो है वो मुख्तु नौबसाइट्स पे होती है ख़वातीन जो हैं दिस इज फाउंड आउट थ्रू द रिसर्च यूजुअली ऐसे वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करती हैं जहाँ पर उनको कुकिंग रेसिपीज मिल सकें या चैट साइट्स पे उनकी एक्सेस हो सके या फिर वो मुख्तु डिजाइनिंग की वेबसाइट्स के ऊपर ज्यादातर सर्फिंग करने की कोशिश करते हैं ऑन द अदर हैंड मर्द हजरात जो है वो यूजली ऐसे वेबसाइट के ऊपर सर्व करते हैं जहाँ से उनको फ्री सॉफ्टवेयर मिल सकें या जहाँ पर उनको कोई फाइनेशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकें सो so, मर्द हजरा की जो सर्फिंग है बिकमिंग वेरी काइंड ऑफ एनालिटिकल इन नेचर या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना जिसका कंपेरेटिव एनालिसिस किया जा सकता है सो देयर इज अ फेयर डिफरेंस बिटवीन द वे विमेन कम टू परसीव ऑफ थिंग्स एंड द वे इज द मैन कम टू परसीव ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हाउेवर क्योंकि जेंडर रोल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो रहे हैं दूसरे के अंदर, तो स्टीरियोक्टिवली वर्कआउट नहीं कर सकते और इन स्टीरियोटाइप्स को बताने का मकसद मेरा ये नहीं था कि हम खुतन और मर्दों को एक वाटरटाइट टाइट के अंदर बंद कर सकें वी आर जस्ट ट्राइंग टू कम अपल ऑरियंटेशन एस हैंग टू मैन और बिलोंगिंग टू वीमेन स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं सोशल क्लास के बारे में सोशल क्लास को स्टडी करते हुए हम uh, कुछ टॉपिक्स को जो डिस्कस करेंगे वो वो इस तरह से हैं नंबर वन वी विल डिस्कस व्हाट इज सोशल क्लास नंबर टू मेजरमेंट ऑफ सोशल क्लास नंबर थ्री द एफेंट कंज्यूमर नंबर फोर मिडिल क्लास कंज्यूमर एंड नंबर फाइव वर्किंग क्लास एंड अदर नॉन एफ्लोएंट कंज्यूमर्स इनमें से हम पहले दो टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे और बाकी तीन टॉपिक्स को हम अगले लेक्चर के लिए रखेंगे स्टूडेंट्स uh, बात करते हैं सोशल क्लास के बारे में सोशल क्लास एक ऐसी टर्मिनोजी है जो हम अक्सर औकात सुनते रहते हैं कि एक खास आदमी एक खास सोशल क्लास से बिलोंग करता है एक खास खातून जो है शी कम्सर इज फुलिस हम ये कह सकते हैं कि एक खास प्रोडक्ट जो है वो मेरी क्लास के मुताबिक नहीं है इसलिए मैं इसको पसंद नहीं करता या मैं इसको पसंद नहीं करती तो क्लास का रेफरेंस जो है वो अमूमन मुख्तलिरी हमारी जनरल लाइफ के अंदर किसी ना किसी तरह आता रहता है क्लास दरअसल है क्या क्या क्लास का मतलब यह है कि इंसानों को मुख्तफ कैटेगरीज uh, में बांटा जाए और उनको इस हिसाब से देखा जाए कि वो सुपीरियर हैं या इन्फीरियर हैं? क्या इस किस्म का कोई मतलब आपके जहन में आ, आ, आता है या फिर क्लास के बारे में हम एक कॉन्टीनियम के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि कॉन्टीन्यम जो है वो लेफ्ट से राइट right की तरफ जा रहा है या इट्स गोइंग फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स टूवर्ड्स दॉप और इसके अंदर مختلف درجات हैं और उन दर्जात के अंदर हम मुख्तलि इंसानों को प्लेस कर सकते हैं मुख्तलिफ इंसानों को उनकी फैमिलीज को हम उन दर्जात के अंदर प्लेस कर सकते हैं ताकि उनकी क्लासिफिकेशन हो सके और उनकी कैटेगराइजेशन हो सके सोशल so, क्लास के बारे में जब हम सोचते हैं गो के हम इस लव्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके रेफरेंसेस बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं जनरल लाइफ के अंदर लेकिन जब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो सोशल क्लास को डिफाइन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है जब हम कंटिन्यूम की बात करते हैं तो कॉन्टीनियम कैन बी था ऑफ एज अ रेंज ऑफ सोशल पोजिशन ऑन विच ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी कैन बी प्लेस्ड रिसर्चर्स जब कंटिन्यूम के हिसाब से क्लासेस को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूम के ऊपर कम से कम क्लासेस हों बहुत ज्यादा लंबा कॉन्टीन्यूम ना हो जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्स बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर माइन्यूट डिटेल्स के अंदर छोटी छोटी कैटेगरीज हो क्योंकि इस किस्म की कैटेगरीज जो है वो रिसर्चर्स के लिए हेल्पफुल नहीं साबित होती है यूजली रिसर्चर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट मसला ये भी होता है कि वो क्लास को किस तरह मुख्त कैटेगरीज के अंदर असाइन कर सकें इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि सोशल क्लास इज यूज टू असाइन इंडिविजुअल्स और फैमिलीज टू अ सोशल क्लास कैटेगरी लेकिन इंडिविजुअल्स हैं वो एक खास सोशल क्लास कैटेगरी से किस तरह से बिलोंग करते हैं वो क्या प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी इंडिविजुअल को या उसकी फैमिली को फुलफिल करने पड़ेंगे कि वो एक खास सोशल क्लास के अंदर आ जाए यूजुअली जब हम सोशल क्लास की बात करते हैं तो वी कम टू थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास इन टर्म्स ऑफ एलीट क्लास और इन टर्म्स ऑफ लोअर क्लास इन टर्मिन को कुछ इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो अपर क्लास uh, है जो क्लास है दैट कुड बी कॉल्ड एफ्लुएंट कंज्यूमर्स एंड द पीपल हु कम फ्रॉम द लोअर क्लास वी कुड कॉल देम द नीडी पीपल और द पीपल हु आर सर्वाइविंग एट द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द लाइफ और उनकी जरूरियात को फुलफिल करने के लिए दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीड टू बी हेल्प सो सोशल क्लास असल में क्या फिनमिना है लेट एस ट्राई टू डिफाइन सोशल क्लास सोशल क्लास इज डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू अ अर्टी ऑफ डिस्टिंक्ट स्टैटस क्लासेस, सो दैट द मेंबर्स ऑफ ईच क्लास हैव रिलेटिवली द सेम स्टैटस एंड मेंबर्स ऑफ अदर क्लास हैव इधर मोर और लेस सोशल क्लास की जब हम बात करते हैं तो हम इसके अंदर स्टैटस को इंक्लूड कर सकते हैं और मुख्तलिफ डिग्रीज को इंक्लूड कर सकते हैं और लोगों को हम इन मुख्तलिफ डिग्रीज के अंदर असाइन कर सकते हैं एंड देन वी कुड कम टू से कि एक क्लास के जो लोग हैं उनके अंदर जो सोशल स्टेटस है वो उनका तकरीबन एक जैसा है विच मीन्स कि उनके राइट्स उनके उनकी ड्यूटीज उनकी रिस्पांसिबिलिटीज जो हैं वो मोर और लेस सिमिलर हैं और अपनी क्लास के अंदर उनको वो सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं जो उस क्लास के क्लास के लिए बने होते हैं उस कल्चर के हिसाब से लेकिन एक सोशल क्लास को दूसरी सोशल क्लास के साथ कंपेयर किया जा सकता है विद रेफरेंस टू अ सर्टेन सोशल क्लास भी एन अपर क्लास फ्रॉमर क्लास और एनअर क्लासर क्लासर क्लास की जा सकता है सोशल क्लास की हम बात तो कर लेते हैं हम रेफरेंस तो देते दे हैं लेकिन जब हम हमें यह बताना पड़ता है कि सोशल क्लास असल में क्या है और किन प्रीर के हिसाब से हम इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं मिडिल क्लास में अपर क्लास में लोअर क्लास में तो देन दैट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू लेकिन इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाते हैं जब हमको सोशल क्लास जो है वो मेजर करने की uh, जरूरत पड़ती है आप लोग uh, जब अपनी जनरल लाइफ के अंदर आपको मुख्तु रेफरेंसेस मिलते हैं uh, लोगों को कैटेगराइज करने के लिए और देर इज एन अनकॉन्शियस ड्राइव पीपल कि वो मुख्त लोगों को उनकी सोशल क्लास के हिसाब से कैटेगराइज कर सकें और जब वो सोशल क्लास के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं तो थिंक अबाउट इट देर आर वेरियस रेफरेंसेस जिनके हिसाब से वो लोगों को देख रहे होते हैं कि एक खास आदमी जो है उसका बिहेवियल पैटर्न किस तरह से है बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से हमें किसी इंडिविजुअल की सोशल क्लास के बारे में पता चल सकता है या फिर उसकी बिलोंगिंग्स के हिसाब से हमें उसी क्लास के बारे में पता चल सकता है या फिर उसकी वेल्थ के हिसाब से पता चल सकता है इसके साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो अक्सर अकात हम ये करते हैं कि हम लोगों को उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी मुख्तु क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करने की कोशिश कर सकते हैं सो वॉट एग्जैक्टली Would be the scientific way of categorizing the people. Since we are talking about research uh, in the field of consumer psychology, and we have to understand that how to categorize people in different social classes. And to do that, we need to measure the social classes. And we to criteria which can divide categories. स्टूडेंट्स सोशल क्लास की मेजरमेंट के ऊपर यू वुड बी सरप्राइज टू लर्न के रिसर्चर्स एंड जनरल नहीं पाया जाता देर आर डिफरेंट अप्रोचेस जिनके हिसाब से मार्केटियर्स हैं और अपनी रिसर्च के एजेंडा के हिसाब से लोगों को सोशल क्लासेस में कैटेगराइज कर लेते हैं बट वेन वी टॉक अबाउट दिस्टमैटिक फैशन ऑफ कैटेगराइजिंग पीपल इन सोशल क्लासेज तो यूजली प्रैक्टिशनर्स के درمیان बहुत ज्यादा कंसेंट किसी एक वे ऑफ मेजरिंग द सोशल क्लास बहुत ज्यादा कंसेंट नहीं पाया जाता इसके बारे में तो सोशल क्लासी मेजरमेंट के बुनियादी तौर पर तीन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं लेट मी शो यू दीस थ्री मेथड्स ऑन द स्लाइड। दीस थ्री सिस्टमेटिक अप्रोचेस इंक्लूड नंबर वन सब्जेक्टिव मेजर्स, नंबर टू रेपेशन मेजर्स एंड नंबर थ्री ऑब्जेक्टिव मैजर्स दीज थ्री मैथड्स इंक्लूड नंबर वन सब्जेक्टिव मैजर्स नंबर टू रेपेशन मैशर्स एंड नंबर थ्री ऑब्जेक्टिव मैजर्स स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ये तीन मैथड्स जो हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इनकी क्या नेचर है सब्जेक्टिव मैचर्स की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव मैचर्स का मतलब है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपकी सोशल क्लास क्या है इट इज एज सिंपल एज दैट यू कुड कम टू एस मी की आपकी कौन सी सोशल क्लास है क्या आप अपर मिडिल क्लास से हैं लोअर मिडिल क्लास से हैं लोअर क्लास से हैं या आप एलिट uh, क्लास में से हैं एंड आई वुड कम अप विद्रीफ गैस अबाउट माई सोशल क्लास और मैं उस गैस के हिसाब से अपनी सोशल क्लास के बारे में आपको बता दूंगा सो so, यूजली जब हम सब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ सोशल क्लास की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो कुछ इस तरह से है द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब योर क्लास नंबर वन लोअर क्लास नंबर टू लोअर मिडल क्लास नंबर थ्री अपर मिडल क्लास नंबर फोर अपर क्लास रिफ्यूज टू आंसर स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब रिसर्चर्स जो हैं सब्जेक्टिव मैचर्स के तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो रिस्पोंडेंट्स के पास फ्रीडम होती है कि वो अपने अंदाजे से और अपने हिसाब के मुताबिक अपनी सोशल क्लास को कैटेगराइज कर सकें और अपनी सोशल क्लास को डिस्क्राइब कर सकें लेकिन कम टू थिंक अबाउट इट अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि हम रिलेटेड बिवियर जो है विस टू डिट सोशल उसको स्टडी करने की कोशिश करें लेकिन जब हम इस बात का फैसला उन लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपनी सोशल क्लास हमें बताए तो देअर इज अ प्रॉबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक ओवर देयर यूजअली हो सकता है लोगों को अंदाजा ना हो कि वो किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं यूजली दिस इज अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन एंड पीपल माइ टेंट टू रिफ्यूज देयर सोशल क्लास और दे माइट वॉन्ट टू हाइड देअर सोशल क्लास So this is not a very objective measure of understanding the social class. Especially in those situations when a lot of research jo hai, wo is behavior. to study the behavior of this social class. Because until we can assign behavioral patterns assign kar with reference to social class, we will not have proper segmentations. And when we will have proper segmentations, we will not be able to hum un ko market those segments. And our promotional or advertisement strategy will not be effective. और नतीजा नतीजत जो सारा एक्सपेंस है रिसर्च का दैट माइट कलेप्स एंड दैट माइट गो टू द वेस्ट और इसके साथ बहुत ज्यादा वक्त भी जाया हो सकता है सो देआर मस्ट बी अ वे कि हम सोशल क्लास को किसी तरह से ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकें स्टूडेंट्स uh, यहां पर सब्जेक्टिव मेजर्स के साथ uh, कुछ और मसाइल भी हैं जिनके बारे में थोड़ी सी बात बात यहां पर करते चले सोशल क्लास इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल फिनोमिना वन दैट रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ बिलोंगिंग और आइडेंटिफिकेशन विद अदर्स दिस फीलिंग ऑफ सोशल ग्रुप मेंज क्लास कॉन्शियसनेस यूजली हमें यह अंदाजा होता है कि हम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं क्योंकि जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं उस क्लास के लोगों के साथ हमारे ताल्लुक होते हैं हमारे आ, उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है दैट इज वेरी डीप एंड थिक और उसके एड बहुत से रसूम रवाज होते हैं सो so, यूजली लोगों के पास एक क्लास कॉन्शियसनेस जरूर होती है क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब है कि अपनी क्लास के बारे में शऊर होना कि हमारी क्लास जो है वो किस कॉन्टीन्यूम स्केल के ऊपर पाई जाती है सब्जेक्टिव मेजर के साथ इशू यह होता है कि जब भी हम लोगों से पूछने जाते हैं कि आपकी सोशल क्लास कौन सी है तो पीपल कम टू आंसर दैट आई कम फ्रॉम द मिडिल क्लास और यहां पर जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो लोग जब ज्यादातर हमें यह बताते हैं कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो यहां पर यूजली रिसर्चर का नुकसान उस जगह पे होता है जहां पर कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो बिल्कुल फ्रिंजेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं मिसाल के तौर तो पर वो मिडिल क्लास की अपर फ्रिंच के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं या मिडिल क्लास की लोअर फ्रिंज के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका जवाब जो है वो सिर्फ सोशल मिडिल क्लास कहने से पता नहीं चलता और यूजली बाज़ बाजात लोगों में टेंडेंसी यह होती है कि अपनी सोशल क्लास को थोड़ा सा बढ़ा कर पेश करते हैं और कुछ दूसरे लोगों में टेंडेंसी होती है कि अपनी सोशल क्लास को थोड़ा सा घटा कर पेश करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द इशू बिटवीन बींग हम्बल एंड बींग पॉम्पस ऑल्सो सो यूजली होता यह है कि जब आप एज रिसर्चर लोगों से सोशल क्लास उनके हिसाब से पूछना शुरू करें तो आपके पास ज्यादातर जो सैंपल आएगा वो आपको ये बताएगा कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और क्योंकि हो सकता है कि आपकी रिसर्च जो है वो उसका जो टारगेट सब्जेक्ट है वो लीड क्लास हो या लोअर क्लास हो तो उस हिसाब से आपकी रिसर्च जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा गलती के चांसेस हैं बहुत ज्यादा गलती के इतमाल हो सकता है यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा एक जापानी सर्वे की जो तकरीबन हर साल जापान में कंडक्ट किया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड दिस सर्वे इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ द नेशन लाइफ ऑफ द नेशन एक ऐसा सर्वे है जिसमें जापानीज लोगों से हर साल एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें वो अपने आपको अपने सब्जेक्टिव मेजर के हिसाब से बताते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सिटीजन कैन प्लेस दम सेनी वन ऑफ द कैटेगरी नंबर टू अपर मिडल नंबर थ्री मिडिल नंबर फोर लोअर मिडल एंड नंबर फाइव लोअर क्लास इसका मतलब ये है कि जापान में ये जो सर्वे किया जाता है इसके ऊपर लोगों को आ, ये आ, न, लोगों को ये बताया जाता है कि इस सर्वे के ऊपर आप इन कैटेगरीज के हिसाब से अपनी सोशल क्लास को मार्क कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं इस सर्वेस के रिजल्ट्स के बारे में लेट नाइनटीन और सेवनटीज के आशरे के दौरान इस सर्वे के जो रिजल्ट से तकरियों ने अपने को बताया कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं हाउएवर इन द लेट नाइनटीन इस सर्वे के मुताबिक 90% फीसद जापानियों ने बताया कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं नाउ यू कुम टू थिंक अबाउट द वैलिडिटी ऑफ दिस सर्वे बींग एक जगह पर सत्तर फीसद लोग जो है वो दे आर कॉलिंग देम सेल्स बिलोंगिंग फ्रॉम बिलोंगिंग टू द मिडल क्लास एंड अबाउट टेन ईयर्स लेटर देर आर नाउ नाइन्टी परसेंट ऑफ द पीपल हु कॉल देम सेल्स बिलोंगिंग टू द मिडल क्लास इन एनी ऑफ द मिडिल क्लास कैटेगरीज सो स्टूडेंट्स इस सर्वे से हमें शायद ये तो पता चलता है कि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास में है और उनके हमें जिंदगी के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में इससे अंदाजा हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस सर्वे के मुताबिक जो रिजल्ट हासिल किए गए हों वो रिलायबल हों और वेलिड हों क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक हासिल किए गए रिजल्ट के अंदर बायस नेचुरली आ सकता है ये पॉजिटिव बायस भी हो सकता है और नेगेटिव बायस भी हो सकता है

आ, लोगों की सोशल क्लासेस के बारे में जानना हो और आप इस बात के ऊपर मुनहसर ना करना चाहते हो कि आप लोगों से उनकी सोशल क्लास के बारे में पूछें तो आप किसी और से उनकी क्लास के बारे में पूछ सकते हैं मिसाल के तौर पर आप अगर किसी खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी या किसी ये खास जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि वो किस सोशल क्लास या कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं तो आप उस लोकेलिटी के अंदर किसी ओपिनियन लीडर को एंगेज कर सकते हैं जो आपको गाइड करे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो किस सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट्स रेप्यूटेशन मेजर्स जो हैं ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं लोगों की सोशल क्लास के बारे में जानने के लिए लेकिन रेपूटेशन मेजर्स की जहां तक बात है तो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो रेप्यूटेशन मैजर्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते रहे हैं क्योंकि उनका बुनियादी मकसद होता है एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना लेकिन जब हम बात करते हैं कंज्यूमर रिसर्च की तो कंज्यूमर रिसर्चर्स होते हैं उनका बुनियादी कंसर्न ये होता है कि वो ये अंडरस्टैंड कर सकें एक सोशल क्लास के अंदर बिहेवियर uh, पैटर्न्स जो है किस नौत के हैं क्योंकि एक कंज्यूमर रिसर्चर के लिए जरूरी होता है कि वो एक सेगमेंट को स्टडी uh, कर सके विद रेफरेंस टू देयर कंजम्पशन रिलेटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। और उसी के हिसाब से फिर प्रमोशनल और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो डिजाइन की जा सकती है और उसी हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हैं पोजिशन की जा सकती है स्टूडेंट्स यहाँ से हम लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव मेजर्स की Measures, आपको नाम से हुआ हुआ कि, का मतलब यह है कि कुछ ऐसे साइंटिफिक को मेजर किया जाए जो रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो और इस पर मुंहर करके एक बड़ी रिसर्च कंडक्ट भी की जा सके और फिर उसके बाद इस रिसर्च के रिजल्ट्स के हिसाब से लोगों के बिहेवियर पैटर्न को कैटेगराइज किया जा सके मुख्तलिफ से अंदर ऑब्जेक्टिव मैजर्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टेड डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कंसर्निंग द इंडिविजुअल्स अंडर स्टडी जब हमने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को स्टडी किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एक पॉपुलेशन को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखा जा सकता है मिसाल के तौर पर हम डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स में ये देख सकते हैं कि एक पॉपुलेशन में एक खास एज के कितने लोग हैं एक खास जेंडर के कितने लोग हैं उनका इनकम लेवल क्या है उनका ऑक्यूपेशन क्या है तो जब हम ऑब्जेक्टिव मेजर्स के ऊपर जाते हैं तो हम यूजअली डेमोग्राफिक मेजर्स को इंक्लूड करते हैं ताकि लोगों की सोशल क्लास के बारे में कोई अंदाजा किया जा सके दीज वेरिएबल थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन अबाउट देयर लाइफ अब इसकी छोटी सी मिसाल कुछ इस तरह से हो सकती है कि जब यूजली आप लोगों से मिलते हैं और एक सपोज आप एक नए माहौल में कुछ लोगों के साथ मिल रहे हैं एंड यू वांट टू हैव द आइडिया कि ये किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप किस तरह के सवाल उनसे पूछते हैं यूजली हम सोशलाइजेशन uh, uh, के दौरान एक बुनियादी सा सवाल लोगों से पूछते हैं और वो ये है कि वट डू यू डू इन योर लाइफ आप अपनी जिंदगी में क्या करते हैं अब इस सवाल का जवाब जो है वो मुख्तु तरीकों से आपको मिल सकता है एक साहब आपको बता सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूं एक दूसरे साहब आपको ये बता सकते हैं कि मैं एक बिजनेस मैनेजर हूँ एंड आई वर्क फॉर अ मल्टी नेशनल कॉपोरेशन एंड अनदर पर्सन माई टेल यू दैट आई एम अ पायलट एंड आई वर्क विद नेशनल एयरलाइन फैक्ट्री है और उसके, आ, उसको मैं चलाने की कोशिश करता हूँ अब ये मुखलिफ किस्म के जवाब आपके पास आ रहे हैं मुख्तु प्रोफेशंस के हिसाब से जैसे ही जवाबा आपके पास आते हैं आप उनको एक खास सोशल क्लास में कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं मिसाल के तौर पर जब आपको कोई ये बताता है कि वो डॉक्टर है तो कम टू थिंक अबाउट इट आप उसको किस कैटेगरी के अंदर प्लेस करते हैं do you place uh, a gentleman who tells you that he is a doctor and working in the local hospital in the upper middle class, in the elite class, in the lower middle class or the lower class? आप एक डॉक्टर के प्रोफेशन को किस क्लास के अंदर कैटेगराइज़ करते हैं? इसी तरह से आप एयरलाइन के पायलट को किस क्लास के अंदर कैटेगराइज़ करते हैं? So रीपुलस्टैंड है तो दो तरह केंबर वन सिंगल वेरिएबल इंडेक्सेज एंड नंबर टू कम्पोजिट वेरिएबल इंडेक्सेज सिंगल वेरिएबल इंडेक्स यूज इज जस्ट वन वेरिएबल टू इवेल्युएट सोशल क्लास में इनकम आइए आप देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल को ऑब्जेक्टिवली किस तरह से यूज किया जा सकता है हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करते हैं सोशल क्लास की तो हम यूजली उसके अंदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है इंक्लूड करते हैं और डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर जब हम ऑक्यूपेशन को इंक्लूड करते हैं तो ऑक्यूपेशन से हमें एक बहुत बेहतर अंदाजा हो जाता है किसी के uh, के सोशल सोशल क्लास क्लास का बारे में usually हम यूजेशन को प्लेस कर सकते हैं विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर सोशल क्लास लाइक डॉक्टर्स कुड बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द कैटेगरीज फ्रॉम मिडिल क्लास अपर क्लास एलिड क्लास लोअर क्लास एंड यू नो इट वेरी वेल कि आप डॉक्टर्स को किस कैटेगरी के अंदर यूजली प्लेस करते हैं सो so,

स्टूडेंट्स मार्केट रिसर्चर्स जब रिसर्च करते हैं तो उनके लिए जरूरी होता है लोगों के ऑक्यूपेशन के बारे में भी जानना इस किस्म का डाटा उनको हेल्प करता है उनकी सोशल क्लास को प्लेस करने में और यूजुअली यूजली होता इस तरह से है कि एक सोशल क्लास के अंदर रिसेप्टिविटी होती है टुवर्ड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर अमूमन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वाले या फिर सर्विसेज इंडस्ट्री वाले अपने कंज्यूमर्स को कुछ इस तरह से भी कैटेगराइज करते हैं कि हमारे बेस्ट कंज्यूमर्स जो हैं वो अकाउंटेंट के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं इसी तरह से अगर आप होटल की इंडस्ट्री की बात करें तो यूजुअली होटलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो उनके टारगेट कंज्यूमर्स होते हैं उनके प्रोफेशंस उनके लिए बहुत होते हैं मिसाल के तौर पर को जो, हैं, वो होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल कर रहे होते हैं और इस ट्रेवल के दौरान होटल्स के अंदर ठहरते हैं इसके अलावा बिजनेस एग्जेकटिवली अपने जो ट्रेनिंग के फंक्शन होते हैं या फिर उनकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके हिसाब से अपने मुख्तलि फंक्शन जो है वो टेंस के अंदर कंडक्ट करवाते हैं सो होटल इंडस्ट्री के लिए उनके बेस्ट कंज्यूमर्स होते हैं वो बिजनेस एग्जैक्यटिवस होते हैं जो किसी कारपोरेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो इसी तरह अगर हम टूरिज्म की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो टूरिज्म की इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोफेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूजअली टूरिस्ट इंडस्ट्री जब अपने मुख्त पैकेजेस डिजाइन कर रही होती है जिसमें वो पांच या छह दिन का पैकेज या सात या पंद्रह दिन का पैकेज डिजाइन करते हैं और एक खास इलाके के अंदर टूरिस्ट को लेके जाते हैं तो ये टूरिस्ट होते हैं ये खास प्रोफेशन से यूजली बिलोंग करते हैं और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट uh, जब क्वालिटेटिव uh, रिसर्च की जाती है तो ऑक्यूपेशन को यूज मद्देनजर रखा जाता है और फोकस ग्रुप डिस्कशन करने से पहले जो स्क्रीनर क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं स्क्रीनर क्वेश्चन के अंदर प्रोफेशन का खाना जरूर रखा जाता है और उन प्रोफेशनल प्रोफेशंस के हिसाब से यूजुअली टारगेट कंज्यूमर्स को कैटेगराइज किया जाता है या उनको स्क्रीन किया जाता है कि ये लोग फोकस ग्रुप डिस्कशन में शामिल होने अगर होते हैं तो हमें अपनी टारगेट कंज्यूमर कैटेगरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है स्टूडेंट जब हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो यहां पर हमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के का डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है रिसर्च से ये पता चलता है कि यूजली जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों से ज्यादा पैसे कमाने शुरू कर देते हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स कर रहे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को एंट्रप्रेनोर भी कहा जाता है अब आजकल यूजली बिजनेस ग्रेजुएट्स के अंदर एक ये ट्रेंड पाया जाता है कि वो मुख्तु जॉब को ज्वाइन करने के बजाय कोई अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं अगर हम एंट्रप्रेनोरशिप की बात करते हैं तो एंट्रप्रेनोरशिप का मतलब है दी आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन अराउंड एन आइडिया वर्ल्ड ऑफ आइडिया स्ट्रॉन्ग आइडिया ब्रिलियंट आइडिया और आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप उस आइडिया के इर्द गिर्द एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं देन यू विल बी अ गुड एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर जो हैं जब ये मेहनत करते हैं और अपने काम को एक एक्सपर्ट के तौर पर करते हैं जिसके लिए उनकी खास ट्रेनिंग होती है उनके बिजनेस स्कूल के अंदर तो उनके चांसेस जो है अर्निंग के वह बहुत ज्यादा हो जाते हैं कम्पेयर टू द पीपल जो मुख्तु जॉब के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो यूजली फोकस ग्रुप डिस्कशन की स्क्रीनर क्वेश्चन ईयर में और इसके अलावा क्वानिटेटिव रिसर्च के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का खाना जरूर रखा जाता है और जब सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का खाना रखा जाता है तो उनकी मंथली या एवरेज इनकम के खाने भी जरूर रखे जाते हैं ताकि ये बेहतर फैक्टर की तरफ जो है एजुकेशन यूजुअली अगर आपको किसी आ, सोशल क्लास के बारे में अंदाजा करना हो किसी इंडिविजुअल किसी, का तो आप उनसे उनकी एजुकेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं अमूमन हम लोगों से ये पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है अगर सपोज लोग आपको ये बताते हैं कि मैंने मास्टर्स डिग्री की हुई है सोशल साइंसेस के अंदर तो आप उसको एक खास सोशल कैटेगरी के अंदर प्लेस कर सकते हैं जब लोग आपको बताते हैं कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई डिड माई एम बी बी एस देन यू कुड प्लेस दैम इन सर्टन कैटेगरी जब लोग आपको ये बताते हैं कि वो इंजीनियर्स हैं तो फिर भी आप उनको एक सर्टेन कैटेगरी के अंदर प्लेस कर सकते हैं लेकिन जब आप लोग आपको ये बताने शुरू करते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ हाई स्कूल तक है तो फिर आप उनको एक दूसरी सोशल क्लास के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू वुड बी एस्किंग क्वेश्चन क्योंकि हो सकता है कि जो लोग हाई स्कूल से ऊपर नहीं गए They could be entrepreneurs as well. Or entrepreneurs, they could be making more money than the people who are educated. स्टूडेंट्स लोगों की फॉर्मल एजुकेशन का लेवल जो है वो उनकी सोशल क्लास का आकाश होता है और यूजली एजुकेशन लेवल के हिसाब से लोगों को सोशल क्लास के अंदर प्लेस किया जा सकता है इसका एक नेचुरल रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है कि जिन लोगों के पास हायर डिग्री ऑफ एजुकेशन होती हैं वो बेहतर जॉब्स के अंदर जा सकते हैं और जब वो बेहतर जॉब्स के अंदर जा सकते हैं तो उनकी अर्निंग पावर जो है वो उसी हिसाब से ज्यादा हो जाती है यूजली हम लोगों के सोशल क्लास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं उनकी इनकम के हिसाब से भी फैमिली इनकम इज अनदर सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज फ्रीक्वेंटली यूज टू अप्रोक्सिमेट सोशल क्लास टेंडिंग रिसर्चर फेवरिंग इनकम एज अ मेजर ऑफ सोशल क्लास यूज इधर अमाउंट ऑफ मनी और द सोर्स ऑफ इनकम आप किसी से डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि उनकी मंथली इनकम या एवरेज इनकम क्या है या इससे बेहतर एक सवाल यह भी हो सकता है कि आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और अगर आप ये दोनों सवाल पूछते हैं तो आप उनको एक खास सोशल क्लास कैटेगरी के अंदर यूजली प्लेस uh, कर सकते हैं स्टूडेंट्स इनकम uh, की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इनकम और वेल्थ के दरमियान डिफरेंस बताता चलू इनकम एंड वेल्थ आर नॉट द सेम कॉन्सेप्ट इनकम इज समथिंग डिफरेंट एंड वेल्थ इज समथिंग डिफरेंट वेल्थ नॉट इनकम इज द प्राइमरी ड्राइवर टू फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का मकसद ये है कि लोगों के पास रिसोर्सिस ज्यादा है इसका मतलब कुछ इस तरह से भी है कि फाइनेंशियल रिसोर्स अगर उनके पास ज्यादा है तो उनकी बाइंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर इनकम और वेल्थ के दरम्यान में डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि वेल्थ जो है उसकी वजह से बाइंग पावर इंक्रीज होती है ना के इनकम की वजह से वेल्थ नॉट इनकम इज अ फन ऑफ सेविंग्स Because income that is uh, covering the running of survival. And wealth that covers the value of a certain individual with reference to how much uh, financial savings that particular individual has yielded so far. Wealth deals with the creation of resources and money deals with more, uh, deals more with the consumption. यूजली जब बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं या रिसोर्स को जनरेट करने की बात की जाती है तो जो बचत की गई होती है और उस बचत के जरिए जो वेल्थ एकोमोडेट की गई होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है नए रिसोर्स को क्रिएट करने में लेकिन इनकम जो है वो रनिंग एक्सपेंसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है और इनकम जो है वह मेन सोर्स ऑफ कंजम्पन होता है फॉर वेल्थ वन नीड्स टू नेटवर्क एंड बिल्ड पर्सनल कॉन्टेक्ट्स क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपके पास वेल्थ भी हो क्योंकि वेल्थ जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक अच्छी इनकम हासिल करने के बाद आप अकोमोडेट कर सकते हैं और वेल्थ को अकोमोडेट करने के लिए जरूरी है कि आपको वेल्थ एकोमोडेट करने के तरीके आते हों और उसका मतलब यह है कि आपको बचत करने के तरीके आते हों और बचत करने के तरीकों का मतलब यह है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको मिनिमाइज कर सकें उनको स्टेबल कर सकें ऑन अ सर्टन लेवल और जो एडिशनल इनकम है उसको आप सेव कर सकें ना वन नीड्स टू फाइंड वेज टू मिनिमाइज एक्सपेंसिज टू इंक्रीज द एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ स्टूडेंट्स नॉट ऑल कंज्यूमर रिसर्चर्स एग्री कि इनकम जो है वो एक अच्छा इंडेक्स हो सकता है सोशल क्लास को मेजर करने का मिसाल के तौर पर अगर हम जॉब करते हैं एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव uh, असिस्टेंट की जो किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं या किसी कॉरपोरेट सेक्टर के प्राइवेट uh, इदारे के अंदर काम कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी सैलरी तकरीबन इतनी हो जितनी एक उन साहब की है जो ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं नाउ वेन मी टॉक अबाउट एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हुज हैड अ गुड डिग्री बाय साइथ और उसके हिसाब से उन्होंने एजुकेशन uh, के हिसाब से अपनी जॉब हासिल की और उसके बाद uh, अपनी इनकम हासिल करना शुरू की तो उनकी इनकम जो है वो एक ब्लू कॉलर जॉब वाले की इनकम के बराबर हो सकती है However, because of the social class difference, both will spend their money differently. It is possible that both of them are earning the same amount of money, but social classes also give a value system, a belief pattern bhi और उस वैल्यू सिस्टम और बिलीफ पैटर्न के हिसाब से भी सोशल क्लास के अंदर डिफरेंशिएट किया जा सकता है तो एक ऐसे साहब जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं वो एजुकेटेड पर्सन भी हो सकते हैं और वो एक अनएजुकेटेड पर्सन भी हो सकते हैं इन बोथ केसेस इनके वैल्यू सिस्टम जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा और इस वैल्यू सिस्टम के डिफरेंस की वजह से उनकी कंजन रिलेटेड प्रैक्टिस जो है उसके अंदर भी डिफरेंस आएगा स्टूडेंट सबस्टेंशियटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर पर्सनल वैल्यूज राउंट ऑफ इनकम इज द ऑब्जर्वेशन दट इट फ्लूस मे बी मोर अ फंक्शन ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैन ऑफ इनकम लेवल सो कुछ बिहेवियर पैटर्न ऐसे होते हैं जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाएंगे कुछ बिहेवियर पैटर्न ऐसे होते हैं जो आपको आ, आ, आपकी डेवेलपमेंट को रोक देंगे आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनेंगे स्टूडेंट्स यहां पर हम बात करते हैं हैं अदर वेरिएबल्स वेरिएबल्स की भी भी कुछ और भी हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं मिसाल के तौर पर हम किसी की सोशल क्लास का अंदाजा लगा सकते हैं क्वालिटी ऑफ नेबरहुड से हम अमूमन लोगों से पूछते हैं कि आप कौन से इलाके में रहते हैं और हर इलाके के हिसाब से हम मुख्त सोशल क्लास को एसोसिएट करते हैं और लोग जब हमें ये बताते हैं कि वे खास इलाके से बिलोंग करते हैं तो हमें फेयरली गुड आइडिया होता है उनकी सोशल क्लास के बारे में इसके साथ ही साथ हम द प्राइस वैल्यू ऑफ द रेजिडेंस के जरिए भी लोगों की सोशल क्लास के बारे में अंदाजा कर सकते हैं और फाइनली वी कैन डिस्कस वी कैन कम टू फाइंड आउट सोशल क्लास ऑफ द पीपल विद रेफरेंस टू दोजेशन दैट दैट दे हैव बीन यूजिंग यूजली पोजेशन के हिसाब से लोगों की क्लास को डिटर्मिन करना इज अ मैथड जो सोशियोलॉजिस्ट ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स uh, यहाँ पर uh, थोड़ी सी बात कर ली जाए कम्पोजिट वेरिएबल्स के बारे में कंपोज़िट वेरिएबल्स के बारे में आपको शुरू में बताया था किस्टमेटिकली कंबाइन नंबर ऑफ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स फ्रॉम वन टू फॉर्म वन ओवरऑल मेजर ऑफ सोशल क्लास स्टैंडिंग इसमें बहुत सारे सोशल uh, फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि सोशल स्टैंडिंग के बारे में अंदाजा किया जा सके सच इंडेक्स बेटर रिफ्लेक्ट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल क्लास दैन द सिंगल इंडेक्स वेरिएबल स्टूडेंट्स जो दो कंपोज़िट इंडेक्सेस इस्तेमाल होते हैं वो वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर वन इज इंडेक्स ऑफ स्टेटस करेक्टरिस्टिक्स दिस इज अ क्लासिक कंपोजिट वेरिएबल ऑफ सोशल क्लास व्हिच इज कॉल्ड बॉर्नर इंडेक्स ऑफ स्टेटस करेक्टरिस्टिक्स It is a weighted measure of the variables, including number one, occupation, number two, source of income, number three, house type, and number four, dwelling area. So you could fairly have a good idea about a gentleman or a lady's uh, social standing with reference to these factors described. You can have your occupation, se ke laga sakte hai, source of income, what type of occupation is it, of occupation is and what type of is it, and what type of occupation is it, and ghar, type of occupation is in the United States Bureau of the Census developed socioeconomic status score, which combines three socioeconomic variables, which include number one occupation, number two family, and number three educational attainment. Students, uh, we are running short of time over here. तो मैं आपको कुछ अगले लेक्चर के बारे में बताता चलूं कि अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे हमारा अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस डिस्कशन करेंगे एफ्लुएंट कंज्यूमर्स के बारे में कि एफ्लुएंट कंज्यूमर्स कौन होते हैं और इनकी क्लास जो है वो मार्केटियर्स के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है और मार्केटियर्स यूजअली किस तरह से इनको एक्सेस करते हैं इसके साथ ही साथ हम देखेंगे मिडिल क्लास कंज्यूमर्स जो होते हैं वॉट एक्चुअली इज मेंट बाय मिडिल क्लास मिडिल क्लास को किस तरह से डिफाइन किया जाता है Why uh, defining middle class is uh, a very difficult phenomenon, How the term middle class is interpreted in the field of consumer psychology. We will discuss about these concerns. And finally, in our next lecture, we will discuss the topic of working class and other non affluent consumers. Or here, we will discuss who are working class consumers and how they constitute a major segment for the marketeers. स्टूडेंट्स वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे इजाजत दीजिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अपना ख्याल रखिएगा और अपने गिरदोनुमा के लोगों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज